विकास कार्य न होने से ग्रामीणों में है भारी आक्रोश। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद कलीनगर तहसील के क्षेत्र गांव ग्रंट नंबर 1 उर्फ बानगंज में, जहां पर कोई विकास कार्य नहीं किया गया है, जबकि प्रधान का कार्यकाल पूरा होने वाला है। कुछ समय बाद ग्राम प्रधान का चुनाव भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक 5 वर्षों में ग्राम प्रधान के द्वारा गाँव में नाली, खड़ंजा, सड़क आदि का अभी तक कोई विकास के नाम पर एक पैसा भी नहीं लगाया गया है। इस तरह से देखा जाए या फिर सरकार इस गांव को विकास कार्यों की सूची से हटा चुकी है, या फिर ग्राम प्रधान ने ही भारी मात्रा में घोटाला कर सभी का पैसा हड़प लिया है। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के द्वारा विकास कार्य तो आए हैं, लेकिन प्रधान ने भारी मात्रा में घोटाला कर अपनी जेब भर ली है और इसमें किसी भी अधिकारी की नजर नहीं पड़ रही है। जब टीवी वन इंडिया न्यूज की टीम ने गाँव में पहुँच कर ग्रामीणों से जानकारी ली, तो ग्रामीणों ने भारी मात्रा में घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है। नंबर 1 उर्फ वानगंज में एक प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है, जिसके बाद कितने कीचड़ भर चुके हैं। और जबकि योगी सरकार तमाम स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कई योजनाएं चलाती है, फिर भी कोई ग्राम प्रधान या सचिव वीडियो कोई भी यहाँ पर देखने नहीं आता। अगर विकास कार्यों पर कुछ करते तो इस तरह का हाल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। हमारे सामने इस वक्त खड़ी हुई है हमारी माता की, हम उनसे पूछी क्या यहाँ पर कोई कर्मचारी आता भी है, क्या नहीं आता, ग्राम प्रधान ने क्या कराया, क्या माता जी आपसे माता का हाथ बच्चे बीमार भी होते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। मगर योगी सरकार तो कहती है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीणों को स्वच्छ भारत अंतर्गत और स्वच्छ भारत बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के एक पीलीभीत जिले के कलीनगर तहसील क्षेत्र के गांव ग्रंट नंबर एक उर्फ बानगंज में, और जानते हैं विकास कार्यों का हाल और ग्राम प्रधान से भी कुछ मुलाकात करेंगे। हम जानते हैं अभी ग्रामीणों से क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। कहाँ रहते हैं? बानगंज रहता हूँ। क्या विकास कार्य ग्राम प्रधान कोई विकास हुआ ही नहीं?